देखिए अभी हम लोग पढ़ लेते हैं अनुसूची। अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची की बात करें हम लोग, मूल संविधान में कितने अनुसूची था? 8 अनुसूची। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना था? 8। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हो गया है? 12 अनुसूची। अच्छा, हम लोग मूल संविधान किसको कहेंगे? जब तक कि भारतीय संविधान में किसी प्रकार की संशोधन नहीं किया गया है तो उसी संविधान को क्या कहेंगे? मूल संविधान। मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8। लेकिन वर्तमान समय में कितना अनुसूची हो गया है? 12। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है, और इसी तरह से 12 अनुसूची तक क्या है। अगर हम लोग बात करें अनुसूची नंबर 1 में क्या है, तो ध्यान रखिएगा अनुसूची नंबर 1 में भारत राज्यों का संघ है। क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ है। किस अनुसूची के अंदर? अनुसूची नंबर 1। और अगर हम लोग बात करें राज्यों का, तो वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ध्यान रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। भारत राज्यों का संघ है और इस संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये जो बात कही गई है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 1 में। अगर हम लोग बात कर ले अनुसूची 2 में, तो अनुसूची 2 के अंदर में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, हाँ, राज्यपाल, इन सभी पदाधिकारियों के सैलरी यानी वेतन भत्ते का प्रावधान है। वेतन भत्ते का प्रावधान किस किनका वेतन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन ऐसे बड़े बड़े पदाधिकारियों का वेतन भत्ते का जो प्रावधान किया गया अनुसूची नंबर 2 में। अनुसूची नंबर 3 की बात करें, अनुसूची नंबर 3 में क्या कहा गया? शपथ ग्रहण। हाँ, वही पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ऐसे ऐसे पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का जो बात कही गई है वो किस अनुसूची के अंदर है? अनुसूची नंबर 3 में। अनुसूची नंबर 4 की बात करें, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। ध्यान रखिएगा राज्यसभा के प्रतिनिधि का विवरण अनुसूची नंबर 4 के अंदर है। आगे देखते हैं और भी। देखो अनुसूची नंबर 5 की बात करें हम लोग, तो अनुसूची 5 में कहा गया है SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए शासन एवं प्रशासन के प्रावधान का वर्णन किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शासन एवं प्रशासन का जो बात कही गई है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 5 में। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए बात की जा रही है। आगे है अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 6 में है जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र कहे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जनजातीय क्षेत्र कहे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के शासन के प्रशासन का प्रावधान। विशेष रूप से किस किस राज्य में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में प्रशासन का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 6 में। आगे देख लेते हैं अनुसूची नंबर 7। तो मेरे भाई अनुसूची नंबर 7 अनुसूची नंबर 7 किससे संबंधित है? सूची से। अनुसूची नंबर 7 किससे संबंधित है? सूची से। और ये जो सूची है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अनुसूची नंबर 7 सूचियों से संबंधित है और ये सूची कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। सूची अनुसूची नंबर 7 किससे संबंधित है? सूची से। और ये सूची कितने प्रकार के हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। देखिए संघ सूची ये क्या होता है, तो संघ सूची ध्यान रखिएगा, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। अगर हम लोग बात करें संघ सूची, और संघ सूची में 97 विषय था। मूल संविधान के संघ सूची में कितना विषय था? 97 विषय था। और वर्तमान समय में कितना विषय हो गया है? 100 विषय। ध्यान रखिएगा संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 100 विषय। कितना विषय है? 100 विषय। अगर राज्य सूची की बात करें हम लोग, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल और केवल राज्य सरकार को। जैसे देखिए मूल संविधान में राज्य सूची के कितने विषय था? 66 विषय था मूल संविधान में। राज्य सूची की बात करें मूल संविधान में कितना विषय था? 66। लेकिन वर्तमान समय में 61 हो गया है। कितना हो गया है? 61। और 5 विषय के कौन कौन? शिक्षा, वन, जंगली जानवर का संरक्षण, जंगली जानवरों का संरक्षण, मापतल और न्याय प्रशासन। ये 5 विषय क्या किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। ध्यान रखिएगा 42वां
संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको हटा के कहाँ पर डाल दिया गया है, समवर्ती सूची में। तो ध्यान रखिएगा, अगर समवर्ती सूची की बात करें हम लोग, समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितना विषय था, 47 विषय। समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितना विषय था, 47 विषय, और वर्तमान समय में कितना हो गया है, 52। ये पांच विषय कौन कौन, शिक्षा, वन, जंगली जानवरों का संरक्षण, मापतौल और न्याय प्रशासन, ये पांचों विषय 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटा के कहाँ डाल दिया गया है, समवर्ती सूची में। किसी को याद रखिए या ना रखिए, इसको जरूर याद रखिएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिक्षा किस विषय का सूची, किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 8 किससे संबंधित है, भाषा से। भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 8 भाषा से संबंधित है, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषा था। मूल संविधान में कितना भाषा हुआ करता था, 14। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितना भाषा था, 14, और अभी वर्तमान समय में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितना भाषा हो गया है, 22 भाषा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, और वर्तमान समय में 12 भाषा हो गया, और ये भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची है। और आगे देख लेते हैं अनुसूची नंबर 9। हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूची नंबर 9, ये किससे है, ये अनुसूची नंबर 9 जो है भूमि सुधार से है। किससे संबंधित है ये, भूमि सुधार। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन हुआ, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, भारतीय संविधान में पहला संशोधन, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में, और इसी 1951 में भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया। किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। किससे संबंधित है ये, भूमि सुधार। इस तरह से ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 9 किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। पहला संशोधन जो हुआ 1951 ईस्वी में, और इसी 1951 में भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया, और इस 9 में क्या जोड़ा गया, भूमि सुधार। आगे देख लेते हैं और भी, देखिए अनुसूची नंबर 10 के अंदर क्या रखा गया है, ध्यान रखिएगा, दल बदल कानून। और ये दल बदल कानून भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 10 में कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अनुसूची नंबर 10 भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया है, 52वां संविधान संशोधन 1985 को, और इस 1985 में जो दल बदल जोड़ा गया, ये भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 10 इसमें जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात कर ले अनुसूची नंबर 11 बेहद इंपॉर्टेंट है, अनुसूची नंबर 11 कब जोड़ा गया है, तो ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके अंदर क्या रखा गया था, अनुसूची नंबर 11 के अंदर ग्राम पंचायत क्या जोड़ा गया है, ग्राम पंचायत। और ये ग्राम पंचायत जो है इसके अंदर किस अनुसूची के अंदर जोड़ा गया है, अनुसूची नंबर 11 कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1992। और इस अनुसूची नंबर 11 में कुल कितने विषय हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कुल विषय की बात किया जाए तो 29 विषय, कुल कितने विषय है, 29 विषय है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची नंबर 11 में ग्राम पंचायत को जोड़ा गया, लेकिन ये लागू कब हुआ, ध्यान रखिएगा इसको भी, कि ये जो लागू हुआ था तो इसको ध्यान रखिएगा, ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया अनुसूची नंबर 11, और अब देख लीजिए अनुसूची नंबर 12, इसको जो जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और इसके अंदर क्या रखा गया है,
नगर निगम, इसके अंदर क्या जोड़ा गया है, नगर निगम का प्रावधान, नगर निगम, नगर निगम इसके अंदर क्या जोड़ा गया, नगर निगम। इस तरह से ध्यान रखिएगा, अनुसूची नंबर 12 किससे संबंधित है, नगर निगम से। कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 को।